नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आपके जहन में भी कई सवाल होंगे कि इन दिनों राजस्थान में जो कुछ चल रहा है सियासी घटनाक्रम, उसके बाद क्या कुछ होना है, सरकार बचेगी जाएगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे या फिर किसी और का चेहरा आएगा, कई तरह के सवाल हैं। लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब आज मिला है फलौदी सट्टा बाजार से। कहा जाता है सबसे ज्यादा सटीक जो वहां से एक निकल के आती है जानकारी, वो सटीक रहती है चुनाव में भी। फलौदी सट्टा बाजार जो बोलता है लगभग वैसा ही परिणाम आता है। आप बात कर लेते हैं फलौदी सट्टा बाजार की, तो वहां के माने तो जानकारी के अनुसार फलौदी सट्टा बाजार में इस समय जो भाव चल रहा है वो है कि अगर सरकार सुरक्षित रहती है तो 1 रुपए पे 30 पैसे के भाव हैं, और अगर सरकार गिरती है तो 1 रुपए पे 2.5 रुपए के भाव चल रहे हैं, जिससे कि साफ हो रहा है कि सरकार को पूरी तरह सुरक्षित माना जा रहा है फलौदी सट्टा बाजार में। थोड़ी सी बात करते हैं फलौदी सट्टा बाजार की। ये वही सट्टा बाजार है जहां चुनाव से पहले जब वहां से निकल के जानकारी सामने आती है, वहां के जब आंकड़े आते हैं उसके अनुसार पहले कहा गया था कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। बाकी अलग अलग जगह से कहा जा रहा था, जो सर्वे किए जा रहे थे या और जो सट्टा बाजार थे वहाँ, उनके अनुसार माने तो कहा जा रहा था कि राजस्थान में बीजेपी की भी सरकार बन सकती है। किसी का कहना था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी लेकिन मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहेंगे। ऐसे में जो सटीक एक आई थी जानकारी, जो सटीक जहाँ से एक निकल के आई थी बात, वो थी फलौदी सट्टा बाजार। और ऐसे में अब जो वहाँ से जानकारी आ रही है सामने और जिस तरह के वहाँ भाव चल रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि सरकार को पूरी तरह सुरक्षित मान रहा है फलौदी सट्टा बाजार। ऐसे में साफ हो रहा है कि राजस्थान की जो सियासी उठापटक चल रही है, चाहे वो अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है, विधायक बाड़ेबंदी में है, क्योंकि जिस तरह का टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि अब बीजेपी के खुद विधायक बाड़ेबंदी में चले गए, उसके बाद ये लग रहा है कि अशोक गहलोत ने जितनी भी जो स्थिति थी, जो बागी विधायकों ने बिगाड़ने की कोशिश की थी, जो षड्यंत्र रचा था, एक एक करके उस षड्यंत्र के सभी ताले तोड़ दिए हैं। और खुद आज जैसलमेर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे, उस दौरान एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे आदिवासी समाज के साथ, और उसके आखिर में उनका साफ तौर पर कहना था कि जो षड्यंत्र रचा गया था वो खत्म कर दिया गया है, वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और अब सरकार पूरी तरह सुरक्षित है, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वही लगातार इस तरह की बातें आ रही थी कि क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही थी, पहले कई बार कोशिश कर चुकी है सरकार गिराने की, हालांकि जो सामने जिस तरह के बयान आ रहे थे उनमें कहा जा रहा था कि हम सिर्फ अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का पूरा घटनाक्रम चला है उससे साफ हो रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी और सचिन पायलट गुट मिली जुली एक ये रचा हुआ पूरा चक्रव्यूह था जो अशोक गहलोत की कुर्सी को सरकाने के लिए रचा गया था, लेकिन पूरी तरह से चक्रव्यूह टूट चुका है। और वहीं अब जिस तरह का बीजेपी में घटनाक्रम चल रहा है वो अपने आप में बीजेपी में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि बीजेपी में खुद बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है, कई विधायकों को गुजरात भेजा जा चुका है, कहा जा रहा है कि और विधायकों को भेजा जाना है अभी। वहीं जो बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे हैं वो इस समय दिल्ली बैठी हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान के बीजेपी के नेता हैं उनसे साफ तौर पर नाराज चल रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति अभी अपनी खुद की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वो कांग्रेस के मसले पे अगर चाहे भी तो भी ना तो ज़्यादा इंटरफेयर कर सकती है और ना उसका ज़्यादा फायदा उठा सकती है, क्योंकि बीजेपी की अब पहली प्राथमिकता रह गई है अपने जो विधायक हैं उनको सुरक्षित करना, अपनी पार्टी को सुरक्षित करना, और अपनी पार्टी में जो गुटबाजी शुरू हो गई है, जो सामने दिखने लगी है, उस गुटबाजी पर नियंत्रण करना। तो ऐसे में लग रहा है साफ तौर पर कि जादूगर ने अपना जादू चला दिया है। काफी समय से पहले भी कहा जाता है कि राजनीति के जादूगर हैं अशोक गहलोत, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति बनी है उससे ये साफ हो चुका है कि सिर्फ कहने के लिए अशोक गहलोत को जादूगर नहीं कहते, ये ही जो अब पैंतरे चले हैं, यही जो अब उन्होंने चाल चली है, एक रणनीति बनाई है, इसी के कारण अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। अनुभव और राजनीतिक परिपक्वता का ही नतीजा है कि आज अशोक गहलोत ने अपनी सरकार तो सुरक्षित कर ही ली, लेकिन साथ में बीजेपी के जो मंसूबे थे उनमें भी फूट डाल दी है। अब बीजेपी में भी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर, एक तरफ सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ उनके जो कुछ नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो या फिर अशोक लाहौटी और जो अन्य नेता हैं वो उनके साथ हैं, वहीं
बात करें वसुंधरा राजे की, तो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो वसुंधरा राजे के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो चाल और जो जाल कांग्रेस के लिए बिछाया गया था, अब लग रहा है कि बीजेपी उसमें फंस गई है। वही कांग्रेस की बात कर लेते हैं, तो सचिन पायलट वोट लगातार पहले काफी टाइम से शांति रखे हुए हैं, किसी तरह के बयानबाजी ज्यादा नहीं आ रही है। हाल ही में वेद प्रकाश सोलंकी जो पायलट वोट के में हैं और विधायक हैं, उनका एक मैसेज आया, उन्होंने भी एक वीडियो डाला। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की जानकारी वहां से निकल के आ रही है, वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि 14 तारीख से एक दिन पहले 13 तारीख को या 12 तारीख को एक मीटिंग होगी, जिसमें साफ किया जाएगा कि वो गुट यहाँ विधानसभा सत्र में सम्मिलित होगा या नहीं, विधानसभा सत्र में जितने भी वो 19 विधायक हैं वो आते हैं या नहीं, इसका फैसला उनकी वहाँ बैठक में किया जाएगा, जो कि 12 से 13 तारीख में हो सकती है, और उसका फैसला सचिन पायलट करेंगे। एक बात इसमें यह भी है कि लगातार जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि जो पायलट गुट है वो कहीं से भी सहमत नहीं है। कहा जा रहा था, बीच में कयास उठे थे कि उन पायलट गुट की तरफ से कि किसी तीसरे को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शायद वो मान जाए, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है ऐसा नहीं है। उनकी जिद है कि मुख्यमंत्री तो सचिन पायलट ही बनने चाहिए। ऐसे में जो ये जिद है कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान कर सकती है उस गुट का, क्योंकि नुकसान काफ़ी कुछ हो ही चुका है। लास्ट में एक ऑप्शन बचा था लगातार, आज गोविंद सिंह डोटासरा जो नए पीसीसी चीफ हैं और सचिन पायलट की कुर्सी अब उनकी हो चुकी है, सचिन पायलट का जो पद था वो अब उनका हो चुका है, तो पीसीसी चीफ की हैसियत से उन्होंने भी आज कहा कि उनका साफ तौर पर कहना था कि आप बीजेपी की मेहमान नवाजी में रहते हुए कांग्रेस में आने की बात नहीं कर सकते, आपको पहले बीजेपी की मेहमान नवाजी छोड़नी होगी। तो साफ तौर से एक जितना हर बयान को देखें, जितने भी बयान आ रहे हैं, चाहे वो पायलट गुट से हो, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर गहलोत गुट से, तो इन सभी बयानों से एक बात तो साफ हो रही है कि स्थिति कहीं ना कहीं स्थिरता की ओर बढ़ रही है। और जिस तरह का आज एक सर्वे आया है, जिस तरह से फलौदी सट्टा बाजार से सामने आई है जानकारी निकल के, जो वहाँ भाव चल रहे हैं, उससे एक बात साफ लग रही है कि अब सुरक्षित है गहलोत सरकार। देखते हैं राजस्थान में क्या कुछ होता है, राजस्थान की सियासत कहाँ जाती है और ऊंट किस करवट बैठता है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। We'll be right back.